हेलो गाइस। तो फिलहाल हम हैं राजस्थान में, और राजस्थान के हम जालौर डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं। यहाँ का ये मंदिर है, बहुत पुराना इतिहास है इस मंदिर का बताया जा रहा है। तो अभी मैं आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास के बारे में बताऊंगा, कुछ लिखा हुआ फोटो वगैरह है वो बताऊंगा। तो ज़रूर देखे, मैं उसको पूरा बताने की कोशिश करूँगा, जितना हो सके मैं इतना पूरा यहाँ का कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखे। मंदिर का विश्राम आश्रम बना हुआ है यहाँ पे, तो कोई भी दूर से आते तो वो यहाँ रह सकते। आप लोग कभी दूर से आओ यहाँ पे मंदिर में, तो यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है, सब बना हुआ है। यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है, ये मंदिर के जस्ट बाहर ही बना हुआ है। और यहाँ पे जस्ट ये बना हुआ पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। मैं एक बार आया था यहाँ पे, काफ़ी साल पहले आया था, 6-7 साल पहले आया था, तभी पीपल का पेड़ था। मतलब इसका बताया जाता है कि बहुत पुराना पीपल का पेड़ है ये वाला। अभी इसके पीछे जस्ट मंदिर है, और इधर पूरा पहाड़ है। आप देखोगे तो पूरा पहाड़ों के बीच में ही मंदिर बसा हुआ है, पीछे पूरे पहाड़ है, ये देख सकते हैं आप लोग। इधर पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। चलो मैं अंदर का दिखा रहा हूँ आपको भी, अंदर का भी बस। दोनारी वीर मंदिर का इतिहास है, यहाँ पे लिखा हुआ जो इतिहास है, मंडला राठौर धानेरी वीर गंगा जी गंगा जी के नाम से जाना जाता है ये वाला। काफी प्राचीन काल का मंदिर है ये वाला। इधर का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, आप देख सकते हैं यहाँ का, यहाँ पहले का इतिहास इस मंदिर का, बहुत पुराना इतिहास। अंदर का व्यू था मंदिर के अंदर का, आपने देख लिया पूरा। तो ये मंदिर है पूरा, मेरे पीछे जस्ट मंदिर ही है। अभी मैं बाहर की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ बताया जाता है इतिहास में ये बहुत पुराना, यहाँ पे पहले कोई युद्ध भी हो रखा है, देख सकते हो पहाड़ों के बीच में, एकदम मस्त वातावरण में, एकदम सुनसान से बना हुआ है। सामने जो खड़ा महल है, यहाँ पे आप रुकने की व्यवस्था भी है, कोई दूर से आते हैं दर्शक तो वो यहाँ रुक भी सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं टाइम। और ये पहाड़ देख लो, अंदर हरियाली कितनी अच्छी है यहाँ, बहुत अच्छी तरह से पहाड़ देखो, एकदम मस्त। कभी भी आओ तो बारिश के मौसम में आओ तो घूमने का मज़ा भी और अलग आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक बावड़ी है जो काफ़ी समय से पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी है बावड़ी। लगभग यहाँ पे जोधपुर राजाओं के द्वारा यहाँ पे कोई पहले युद्ध वगैरह हो रखा था, उस समय ये बावड़ी खोदी गई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी पहले बहुत कम था, पहाड़ों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। इस कारण यहाँ पानी चौमासे के टाइम में, जैसे गर्मियों के मौसम में यहाँ पानी रहता था। तो ये बावड़ी आज भी वर्तमान में भी अभी भी इसमें पानी है, लेकिन हाल अभी इसमें क्या है, पानी लोग पीते नहीं, व्यवस्था गंदी हो रखी है पूरी, साफ सफाई नहीं, इस कारण लोग भी पानी नहीं पीते। पहले पानी पीते थे यहाँ पे, कुछ इस तरह से ये आप देख सकते हो, पूरा पहाड़ों के अंदर बसा हुआ मंदिर है। इधर भी पहाड़ है, उधर चारों तरफ पहाड़ गिरा हुआ है मंदिर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और लोकेशन कैसी थी कमेंट करके बताएं जरूर। चलो बाय।